टॉयलेट का रेट बार कोड से मुझे बताएगा ये कितने का है। 39 की है। तो गाइस मैंने ले लिया सामान, मेरे पड़ा पहले इतनी वो लगा रही थी 88 का। यहाँ थोड़ा सा ना आपको जागरूक होना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं तो बेवकूफ़ बना देते हैं स्टोर में भी। इंडिया हमें पता तो होता नहीं हम बाहर के हैं। नमस्ते चल रही है हॉस्टल में। दस विदानिया, नाइस टू मीट यू। दस विदानिया यूलिया, नास्ते ऑल्सो दस विदानिया। तो भाई साहब टैक्सी बुक करी है, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता उतार था, मैंने टैक्सी ले ली है। भाई एल्पन गोल्ड की चॉकलेट पतली पतली सी जो है ये पड़ेगी आपको $45 रूबल से ऊपर। 39 वाली भी है, इसका मतलब होता है सिदका यानी डिस्काउंट वाली। रेट पे रेट कहीं नहीं लिखे होते यार, सब अलग से रेट देते हैं। ये यहाँ पे अलग सी चीज़ है, कभी चीज़ों पे रेट नहीं लिखे होते, ये अजीब बात है कि मैंने सब रेट अलग अलग होती है, हर जगह रेट अलग अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, ब्रेड ये पड़ेगी 45 रूबल की पड़ी है ब्रेड, और ब्रेड बहुत सारी थी, 30 की 15 की भी थी है। ये तो वो थी जो मैंने खाई थी बहुत पुरानी, मॉस्को में ले गया था, तो अच्छी ले गया था मॉस्को ट्रेन में, वो पूरा बंद टाइप होती है, ये तो सस्ती होती है बेकार होती है बस सूख जाती है। ये स्लाइस वाली ठीक है, 36 रूबल से स्टार्ट है, लेकिन 45 वाली थोड़ी सॉफ्ट लगी मेरे को। यहाँ पे वैरायटी कम है, पिछले वाले में थोड़ी वैरायटी आ रही थी तो मैंने वहाँ से थोड़ी सस्ती 30 वाली ली थी, यहाँ 45 ही लेनी पड़ रही है, क्योंकि इसकी मुझे क्वालिटी अच्छी लग रही है। बाकी सब दारू यहाँ पे है ही, आप दे सकते हो रेट दे सकते हो आप। ये देख, आपने पीनी हो तो वही, मैं तो पीता नहीं दारू पीते, लोग सस्ती होती है यहाँ पे, सिगरेट सिगरेट का पता नहीं मुझे सस्ती होती नहीं होती, दारू पीते सस्ती होती है, वाइन अल्कोहल सस्ता है यहाँ पे। और ये ब्राउन ब्रेड्स हैं, ये महंगी है थोड़ी, यहाँ 57 से स्टार्टिंग है, 57 ब्राउन हाउन। तो नीचे सब ये है, सॉस मेरी ख़त्म हो गई है, पर अभी एक दिन के लिए क्या सॉस लूँ, कल का दिन रह गया खाली, कल को मुझे चले जाना है, आधा दिन रह गया, आज आज की रात कल सुबह। ये मशीन होती है जहाँ पे आप रेट पता कर सकते हो, अब इस चॉकलेट का रेट बार कोड से मुझे बताएगा ये कितने का है। डार्क चॉकलेट तो महंगी है भाई, 98 की है। देवी 90 देवी सिदका, हाँ वो सेना अधीन स्टोर 60 देवी ये तो दिशेवली आये थी दाई आ दूसरी दाई दो दूसरी दूसरी ये थी दाई ये महंगी है डार्क चॉकलेट वो 90 वो इसमें कुछ सिदका नहीं है। हाँ फर्स्ट स्टोर रुपले तो भाई कन्फर्म कर लिया आंटी जी से मैंने, ये जो है डार्क चॉकलेट जो है महंगी है, 99 की है, और में सिदका है मतलब डिस्काउंट है, वो पड़ रही है आधे आधे रेट की, वो पड़ रही महंगी। टॉफियाँ भी हैं यहाँ पे तो भाई लोग ये लिया है 4-5 टमाटर, थोड़े टमाटर ले लिए, एक बैग वो ले ली, 2 चॉकलेट ले ली, देखते कितने का प्राइस होता है। मैं कहा था 150 रुपये का, तो गाइस मैंने ले लिया सामान, मेरे पड़ा पहले इतनी वो लगा रही थी 88 का। यहाँ थोड़ा सा ना आपको जागरूक होना पड़ेगा, यहाँ पे भी नहीं तो बेवकूफ़ बना देते हैं स्टोर में भी। इंडिया हमें पता तो होता नहीं, हम बाहर के हैं तो हमें रेट लगा देंगे उतने का। तो मैंने कहा इसमें डिस्काउंट था, सिदका था, तो आपने मुझे कम क्यों महंगा क्यों लगा रही हुई है। फिर उसने मुझे 69 का करके मुझे फिर उसने 59 लगाया। आशा करता हूँ ये वाली बारीक बारीक इन्फॉर्मेशन आपको लगी होगी अच्छी, क्योंकि घूमने में जितनी दिक्कतें आ रही हैं मेरे को ये सबको ही आती होंगी, पर ये वीडियो में किसी ने बताया नहीं है, मोटा मोटा सब वीडियो बना देते हैं। और मुझे है कि अगर पता क्यों मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें, ये हर हमारे इंडियन लोगों की ना इंसल्ट नहीं होनी चाहिए इस बात। अगर कोई भी हमारा भारत से कोई भाई आता है और उसकी उसको अगर नॉलेज नहीं है यहाँ पे,
तो पता है हमारी इमेज खराब होती है बिल्कुल अजीब सा। लोग हंस भी लेते हैं, कई लोग सपोर्ट कर देते हैं, कुछ लोग हंसते भी हैं। हर टाइप के लोग हैं रशिया में भी, कुछ तो मजाक उड़ा देंगे, कुछ तुम्हारे हेल्प कर देंगे। तो यार थोड़ा मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आप सीखो, और जब आओ ना तो ये दिक्कत जितनी पड़ेगी ना, ये रोज़मर्रा कामों में ये चीज़ें पड़ती हैं, दिक्कत पड़ेगी। रहोगे तो खाली जगह दिखा के या लोगों से इंटरेक्शन दिखा के काम नहीं करोगे ना, पेट पे खाना भी तो डालोगे, खरीदने भी जाओगे, तो वहाँ क्या दिक्कत आएगी, वो सारी दिक्कत बता रहा हूँ आपको। और लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत बड़ी बात है यार। अब मैं तो चलो ट्रांसलेशन यूज़ कर लेता हूँ, और आप भी कर सकते हो, पर टाइम बहुत वेस्ट होता है, और कभी कभी जितनी ज़्यादा बात हो सकती है वो नहीं हो पाती है सामने वाले से ना। और समझ रहे बात को, आप मेरे सारे वीडियो देख के समझ भी गए होंगे एक चीज़ें, बहुत ज़्यादा ज़्यादा बातें अगर मेरे को थोड़ी बहुत अच्छी ना आती तो उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ईजिली और भी चीज़ें पता, कन्वर्सेशन और अच्छी हो जाती है, और बहुत दिक्कत हो जाती है। सीधी सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, असलियत बता रहा हूँ यहाँ की या किसी भी कंट्री की, अगर वहाँ की लैंग्वेज अगर आपको नहीं, आप तो आप एलियन टाइप हो जाओगे यहाँ, आपके लिए ये एलियन टाइप हो जाएंगे और आप इनके लिए एलियन टाइप हो जाओगे, तो एक मिक्स नहीं हो पाते चीज़ें। कुछ लोग अभी इंग्लिश जानते हैं, जो नए लड़के लड़कियाँ जो है वो इंग्लिश जानते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे अवॉइड ही करते हैं इंग्लिश को। कुछ लोग तो पसंद भी नहीं करते, और कुछ लड़के लड़कियाँ जो है नए वो पसंद करते हैं, वो कर बोल लेते हैं। तो भाई ये बारीकी जो बातें हैं, और मेरे को तो ये लोग कभी कभी सिरका लगाते हैं, कभी नहीं लगाते, पता नहीं क्या चक्कर है, क्योंकि भाई इन सबके प्राइवेट स्टोर होते हैं, और कभी कभी डिस्काउंट नहीं लगाते यार। फिर अभी भी इसने डिस्काउंट मेरे को 10 रुपये का ही दिया है, पता नहीं क्या 10 रुपये क्या हिसाब दिया। और चलो ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना सबको भाई, जो लोग आने चाहते हो शेयर इसलिए कर देना कि जो लोग आप दूसरे अपने, अगर मैं अपने भाईचारे में आपको ये इतनी बारीक बातें बता रहा हूँ बताने को, तो मैं ऐसी खाली वीडियो यहाँ गया वहाँ गया बात करी करके भी दिखा सकता था मैं तो, लेकिन मैं बारीक बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि भाई मुझे तो बुरा लगता है जब हमारे इंडियन भाइयों को किसी को बुरा बोला जाता है, या फिर हमारे इंडियंस को इस तरीके से देखा जाता है इलिटरेट, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रियाँ बना बना के कहीं कहीं न्यूज़ कंपनियों ने ये काम कर रखा है। इंडिया को या तो पुअर बताते हैं या फिर इलिटरेट पर्सन वहाँ पे दिखाते हैं, तो जब एक बंदा यहाँ पे आता है तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, तो लोगों के परसेप्शन बन जाते हैं वहाँ से बंदा आया था ऐसा रहा वैसा रहा वैसा था वैसा था, तो वहाँ के लोग ऐसे होते होंगे, हम भी तो ऐसे ही बना लेते हैं भाई, वहाँ से कोई कंट्री से बंदा आया था वहाँ ऐसे बिहेव कर रहा था, तो लगता है वहाँ के लोग ऐसे ही होंगे, तो ऐसी परसेप्शन बनता है, वो परसेप्शन कई हज़ार लोगों में फ्लो हो जाता है, तो वही चीज़ है। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके आओ, बारीक बातें, और कभी भी हमारे किसी भाई का मजाक नहीं उड़ना चाहिए, सीधे बता दूँ, इंडियन को हमेशा नाम हमने ऊपर रखना है। भाई मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई बंदा ये कह दे, एक पासपोर्ट के चक्कर में जो दिक्कत हुई ना, मुझे बहुत बुरी लगी है, उसको यार इमेज को वॉश करना है, ये इंडियन भागते हैं वाला हिसाब छोड़ दो यार, कि कोई अगर शब्द भाग दिखा रहा है आपको कि देशों में ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, कुछ नहीं भाई ऐसा रखा, अगर आप ऐसे आ रहे हो ना तो आपको कौन सी जॉब अच्छी दे देगा कोई, सीधी सी बात है यार। ये लोग अपनी सिटीजन को अच्छा पहले प्रेफरेंस देंगे या हमें देंगे, क्यों देंगे भाई, अपने बंदे को नहीं देंगे पहले, तो हमारे लिए जॉब बचेगी कौन सी, या तो बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन में आओ तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, पर नहीं तो फिर क्लीनिंग की जॉब करोगे, काफ़ी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, क्या करते हैं टॉयलेट के पेपर साफ़ करते हैं, वहाँ से उठाते गंद मचा होता है, उठा लोगे अपने घर में, उठाया कभी भाई, नहीं उठाया, तो इसलिए इतना वर्किंग के जो सोच रहे हो ना आके इतने पैसे कमा लूँगा ये हो जाएगा नहीं हो पता, बड़े महंगा सोता है यहाँ पे लोग अपना, बस यहाँ मैंने देखा हॉस्टल्स में कि लोग अपना ही खाना खा पाते हैं, बस मतलब अपना लेके आते हैं, अपना आप किसी को पूछते तक नहीं है यहाँ पे, मैंने चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे पूछते तक नहीं है, क्योंकि वो उतना महंगा होता है, वो अपना पेट भर लेंगे तुम्हारा भर लेंगे, तो इसलिए ना ये चीज़ें होती हैं भाई, सोच के आओ, थोड़ा ऐसे मत सोच के आओ कि बहुत बाहर की दुनिया में सब कुछ स्वर्ग ही हो जाएगा वहाँ पर, तुम्हें तो राजा की तरफ पूछेंगे, ऐसा नहीं होता, हम कहेंगे हम कौन है भाई, अपनी भी बनानी पड़ती है। बारिश स्टार्ट हो गई भाई, मौसम बड़ा गंदा हो रहा है, ये देखो चिनमिर कनिया, तो मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल आ गया, बारिश भी स्टार्ट हो गई है, गीला नहीं होना कल जाना भाई, सही रहना तबीयत सही रहनी, ठीक है। पगनाले समझ क्या मस्ती चल रही है।
ना 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 ये यू से यू से Я говорю, дай камеру, я у тебя возьму. Потом положите на браку. Вот видишь, смотри, уже включи. Иди сюда. Иди сюда, сидите. Уже камера включена. What's your name? My name is Настя. А, по-русски? Настя. Настя, yes. You? Юлия. Юлия. And you? Юлия. Юлия? Юлия. То, guys, мы жарим, мы hostel се check out кроем. Аж мне India кид flight е, ор. रिसेप्शन में बहुत अच्छे हैं लोग, यहाँ अच्छा लगा मुझे. तो शी इज़ यूलिया दसविदानिया. नाइस टू मीट यू दसविदानिया यूलिया. नास्ते ऑल्सो दसविदानिया. प्रियजाइट एक नाम ही या बुजम रात. तो भाई साहब टैक्सी बुक करी है, यहाँ से दो घंटे डेढ़ घंटे का रास्ता उतारा था, मैंने टैक्सी ले ली है. 750 की पड़ेगी. हाँ या पॉसिबल. तो टैक्सी बैठ गया भाई, 720 रुपये लग रहे हैं वैसे मुझे. और यहाँ से ट्रैम करता, फिर मेट्रो करता, फिर बस करता, तो मुझे पड़ते 200 रुपये पड़ जाते हैं मतलब. क्योंकि शायद बस से 100 भी लेते थे, 150 भी, मतलब मशरूत का लेता तो 150 पड़ जाती. क्या होता बस मिलती क्या मिलता. तो मैंने कहा यार बहुत वेट हो रहा है इस टाइम पे, जगह जगह मेट्रो में नीचे उतरना पड़ेगा, चढ़ना पड़ेगा. बस टैक्सी कर ली, ठंड भी इतनी है, आराम से जाऊँगा, आधे घंटे पहुँच जाऊँगा. उतरना चढ़ना उतरना नहीं हो पाएगा. कल से वैसे कमर में दर्द हो रहा, उस दिन जब पहुँचा था मेरी बैक बोन में दर्द हो गया था. तो इसलिए एक महीने में पहली बार हुआ ये, एक महीने की मेरी जर्नी कम्प्लीट हो गई है. मैंने कहा रिस्क नहीं लेना यार, बैठ गया. विंटर का सीजन है, अब ऐसी मौसम रहने वाला, धूप तो बहुत ही कम निकलेगी. जा रहा हूँ मैं एयरपोर्ट. और ये ऐसे जेंटेक्स टैक्सी जहाँ पे चलती है, जेंटेक्स को ऐप है, उससे आप टैक्सी बुक कर सकते हो अपना अकाउंट बना के. रजिस्टर नंबर से अकाउंट बनेगा, हो जाएगा. सिम तो आप लोग ही लोगे, बढ़िया रहता है, इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं होते. ब्लाबला कार इस बारे में ऐप यूज़ नहीं कर पाया, क्योंकि पर ऐप ही नहीं चल रही थी मेरी, पता नहीं क्या चक्कर हुआ. ऐप ही लॉगिन आई डी बना के लॉगिन ही नहीं हुई. मैंने ब्लाबला कार भी यूज़ करके दिखा था, नेक्स्ट टाइम कभी आऊँगा तो फिर दिखाऊँगा. और इस बार तो रशिया का जो भी हुआ एक्सपीरियंस, वो आपको मैं वीडियो में दिखेगी. अगला नेक्स्ट टाइम आपको नए वीडियोज, नई एक अलग डायरेक्शन की वीडियो दिखाऊँगा. तीस मिनट यहाँ से दिखा रहा है तो ठीक है.